नाउ हम अकाउंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग की डिस्कशन में बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक अकाउंट है जिसके अंदर हम सारे के सारे फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। नाउ देखिए, मैं बोलता हूं कि ये अकाउंट है। जब मैं बात करता हूं अकाउंट की, तो अकाउंट के अंदर दो साइड्स आती हैं, एक आती है क्रेडिट साइड और एक आती है आपकी डेबिट साइड। क्रेडिट साइड और एक आपकी आती है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है तो दैट विल बी क्रेडिटेड, हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट अगर फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट में दो साइड्स हैं, क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, सारा इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का, और डेबिट साइड में आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पार्ट वन जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट, और पार्ट टू जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। दो पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। बड़े आराम से सारी चीजें आपको देखनी है, देखिए जरा। सबसे पहले करंट अकाउंट की हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से आपको इसे बनाना है, आराम से एक एक चीज। सबसे पहले हम सीख रहे हैं क्या सर, हम सीख रहे हैं सबसे पहले करंट अकाउंट। करंट अकाउंट नाउ तीन साइड्स इसके अंदर हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड, फिर हमने लिखा डेबिट साइड, और हमने फिर तीसरा कॉलम बनाया, दैट इज द बैलेंस। बैलेंस है आपका क्रेडिट माइनस डेबिट, जिसको आप नेट क्रेडिट भी बोल सकते हैं। बैलेंस को आप क्या बोल सकते हैं, नेट क्रेडिट। आराम से एक एक चीज देखिए। करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्या बनाया आपने, बैलेंस। प्लीज अब देखिए जरा, सबसे पहले करंट अकाउंट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। करंट अकाउंट को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज मर्चेंडाइजेस क्या होती है, प्लीज बेटा। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है, गुड्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर कवर अप किए जाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन कंट्रीज को गुड्स अपने बेचेंगे, इंडियन गुड्स अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, डॉलर। अगर हम अमेरिकन को गुड्स बेच रहे हैं तो डॉलर्स हमारे पास आएंगे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, येस और नो। तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अगर हम विदेशों से माल खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, वहां से खरीद रहे हैं, तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, दैट इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बैलेंस क्या बचा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या बचा बैलेंस, नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल देते हैं।
ये टर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कितने ज्यादा है ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, आइए आपको अच्छी बात बताता हूं। बैलेंस ऑफ ट्रेड दो तरीके का हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव आएगा या क्या आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब सरप्लस ट्रेड या इसको हम बोल देते हैं ट्रेड सरप्लस, और अगर नेगेटिव आया तो इसको हम क्या बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट। पॉजिटिव आया इसका मतलब हुआ क्या सरप्लस ट्रेड या ट्रेड सरप्लस, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे ओवर द इंपोर्ट्स। बट अगर नेगेटिव आया इसका मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा हैं ओवर एक्सपोर्ट्स। बात समझ में? तो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड हमें समझ में आ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या मैथमेटिकली लिखना है तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब, जब एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट है, नेगेटिव कब जब इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट है। पॉजिटिव को क्या बोलोगे ट्रेड सरप्लस और नेगेटिव को क्या बोलोगे ट्रेड डेफिसिट। इसको मर्चेंडाइजेस को कई बार हम विजिबल्स भी बोल देते हैं, इसका यहां पर दूसरा नाम विजिबल्स भी रख दिया जाता है। इस वजह से हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को बैलेंस ऑफ विजिबल्स भी बोल सकते हैं, बैलेंस ऑफ विजिबल्स। बात समझ में? चलिए ये नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलें। तो सबसे पहली चीज आपने देख ली क्या मर्चेंडाइजेस। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड बेटा इसका कंपोनेंट है इनविजिबल्स। सेकंड कंपोनेंट जो करंट अकाउंट का आता है दैट इज द इनविजिबल्स। ध्यान से आराम से एक एक चीज आपको समझनी है। पहला क्या था मर्चेंडाइजेस जिसमें गुड्स है, अब सेकंड कंपोनेंट है इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में बेटा तीन चीजें आती हैं, सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यहां पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हम अपनी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं, अगर हम अपनी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज को दे रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आएगा, इनफ्लो होगा, इसलिए क्रेडिट साइड। और अगर हम फॉरेन कंट्री से सर्विसेज ले रहे हैं, मतलब हम वहां से सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो होगा, जाएगा, इस वजह से मैंने उसे कहां लिखा डेबिट साइड। और ये आ गया आपका नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इसमें बेटा और चीजें भी आती हैं, ध्यान से देखिए। सेकंड आता है ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, जो कि यहां बन गए नेट ट्रांसफर्स। अब ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स ये क्या होती है, जैसा कि आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था कि ट्रांसफर्स क्या होते हैं, नेशनल इनकम में हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसफर्स होते हैं कि अगर मेरे पास कुछ आया जिसके लिए मुझे बदले में कुछ देने की जरूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गिफ्ट है, तो गिफ्ट अगर मुझे मिला तो क्या इसके बदले में इन रिटर्न मुझे कुछ देने की जरूरत है, नहीं। ट्रांसफर्स क्या होता है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट समथिंग इन रिटर्न, मतलब जिसके बदले में आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, इंडिया में किसी स्टूडेंट को यूके से स्कॉलरशिप मिली, इंडिया में किसी स्टूडेंट को यूके से स्कॉलरशिप मिली, तो उसके पास रिसीट आई, बट क्या बदले में उसको कुछ देने की जरूरत है, बदले में उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है। या मैं आपको बोलूं इंडियंस आर रिसीविंग डोनेशंस
फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। तो अगर डोनेशंस मिल रही है इंडियन टेम्पल्स को फॉरेन कंट्रीज से, तो उसके बदले वहां पर हमें बदले में कुछ देने की जरूरत है? नहीं। तो ये बेसिकली सारे क्या कहलाते हैं? ट्रांसफर्स। वाइस वर्सा कि हम लोग अगर डोनेशंस दे रहे हैं या हम लोग गिफ्ट्स दे रहे हैं या हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं किनको? फॉरनर्स को, तो यहां से पेमेंट्स हो रही हैं। तो बेसिकली ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास? नेट ट्रांसफर्स। ठीक है। थर्ड, इनकम, इनकम रिसीट्स या इनकम पेमेंट्स, ये आपका क्या बन गया? नेट इनकम रिसीट्स। नेट इनकम रिसीट्स मतलब अगर फॉरेन से हमारे पास इनकम आ रही है, फॉरेन से इनकम आ रही है, फॉरेन कंपनीज से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, इनफ्लो है, क्रेडिट साइड आएगा, और अगर यहां से इनकम फॉरेन कंट्रीज को जा रही है, आउटफ्लो है, किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तो ये क्या आ गया आपका? नेट इनकम रिसीट। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बातें और बताता हूं, पहले आप जरा फटाफट इतना नोट करिए फास्ट। देखिए जरा, जैसे मैंने आपको बताया ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स क्या होता है? विदाउट समथिंग इन रिटर्न, विदाउट समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न जिसको हम कंसीडरेशन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? कंसीडरेशन। ध्यान से देखें, जो ट्रांसफर्स होते हैं बेटा वो दो तरीके के होते हैं, मतलब सॉरी ट्रांसफर्स के जो एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रांसफर्स में क्या क्या आता है? गिफ्ट्स, डोनेशंस, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, ये सब क्या है आपके लिए? ट्रांसफर्स। ठीक है जी। इनकम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखें, इनकम कौन कौन सी हो सकती है? इट माइट बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरीज अगर आ रही है वहां से, फॉरेन से। इट माइट बी इन्वेस्टमेंट इनकम्स, सपोज हमने फॉरेन कंपनी में किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं या हमने फॉरेन में किसी को लोन दे रखा है, तो वो हमें इंटरेस्ट भेजता है, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम्स है। तो इस तरह की इनकम्स देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है जी। अच्छा सर, जैसे इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गुड्स को, तो क्या इनका भी कोई नाम है? नहीं जी, वैसे इनका कोई नाम नहीं है, बट अपनी तरफ से आप रखना चाहो तो रख सकते हो। इसको आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ सर्विसेज, इसको आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स, और बेटा इसको आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ इनकम्स। बट एज सच ये कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, मेन आपसे बैलेंस ऑफ ट्रेड ही पूछा जाता है। ठीक है, इनके नाम हमने रख दिए हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और वी कैन से द बैलेंस ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर रिसीट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट इज द नेट ट्रांसफर्स, दैट इज द बैलेंस ऑफ ट्रांसफर्स। इनकम रिसीट्स माइनस इनकम पेमेंट इज द नेट इनकम रिसीट्स, दैट इज द बैलेंस ऑफ इनकम्स। ठीक है जी। श्योर। तो इसके बाद ये आपने क्लोज किया, यहां पर जितनी भी आपके पास रिसीट्स आई है इन सबका सम ये आ जाएगा टोटल करंट रिसीट्स, टोटल करंट अकाउंट आउटफ्लोज या पेमेंट्स, ठीक है, और नेट करंट अकाउंट में आपका कितना बैलेंस बचा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है बेटा, ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। तो आपके इसके आंसर क्या लिखने हैं? वन इज मर्चेंडाइज, सेकंड इज इनविजिबल्स, और आपको ये पूरा लिख के दिखाना है। ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा जा सकता है आपसे क्या होता है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज पूछा जा सकता है, वैसे तो ट्रेड ही पूछा जा सकता है, इसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज सरप्लस ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड डेफिशिट, वो सब आपको पता होना चाहिए। नाउ प्लीज ध्यान से देखिए, एक चीज इसमें आपको समझने वाली है, बड़े आसानी से और रिलैक्स होकर समझिए उसे, पहले आप फटाफट इसे नोट करिए यहां तक। यहां से देखिए बेटा, एक बात बताओ, हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करें वो अच्छा है या इंपोर्ट करें वो अच्छा है?
हम विदेशों में माल अपना बेचें वो अच्छा है या विदेशों से माल खरीदें वो अच्छा है? सर विदेशों में बेचें ज्यादा अच्छा है, उससे हमारी इंडिया की इमेज बनती है। जी हाँ, एक्सपोर्ट्स करना हमेशा बेटर होता है किससे? इम्पोर्ट से। तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जैसे यहां पर लिखा हुआ है, तो करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है, करंट अकाउंट में अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है, पॉजिटिव बैलेंस आता है मतलब करंट रिसीट्स, करंट अकाउंट की जो रिसीट्स है वो ज्यादा है करंट अकाउंट के पेमेंट से, ठीक है बेटा? तो इसका मतलब पॉजिटिव बैलेंस आना अच्छी बात है या गंदी बात है? सर अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमने, इसका मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा किए हैं और इंपोर्ट्स कम किए हैं। भाई ये 100 आएगा, ये 20 आएगा, तभी तो ये 80 आएगा। अगर 100 के एक्सपोर्ट करोगे, 20 के इंपोर्ट, तभी तो 80 पॉजिटिव आएगा। मतलब पॉजिटिव बैलेंस आने का मतलब क्या है? इसका मतलब है नेट एसेट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड। हमारी जो नेट एसेट पोजीशन है वो इंप्रूव हुई है। क्यों इंप्रूव हुई है? क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं इंपोर्ट से। सेम वे अगर ये नेगेटिव बैलेंस आता है, बेटा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेगेटिव बैलेंस आता है, नेगेटिव बैलेंस आता है मतलब जो हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट की जो रिसीट्स है वो कहीं ना कहीं कम है किससे? सर करंट अकाउंट की पेमेंट से। कहीं ना कहीं जो करंट अकाउंट की पेमेंट्स हैं वो कम है, ज्यादा है सॉरी, और रिसीट्स कम है। मतलब कहीं ना कहीं हमने इंपोर्ट्स ज्यादा किए और एक्सपोर्ट्स जो है वो कम किए। तो इसका मतलब हमारी जो नेट असेट पोजीशन है, नेट असेट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी हैज डिक्लाइंड। हमारी नेट असेट पोजीशन जो है बेटा वो कहीं ना कहीं क्या हुई है? डिक्लाइन हुई है। तो आप इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि चीजें हैं क्या सारी की सारी। मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं पूरा एक बार समराइज कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है जिसमें दो साइड्स हैं, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो आएगा, और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज अगर जा रहा है तो वो कहां आएगा बेटा? डेबिट साइड। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी आपको सारा करंट अकाउंट इन डिटेल समझाया कि करंट अकाउंट होता क्या है। करंट अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, मर्चेंडाइजेस और इनविजिबल्स। मर्चेंडाइजेस का मतलब क्या होता है बेटा? गुड्स। और मर्चेंडाइजेस का दूसरा नाम क्या होता है? विजिबल्स। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम बेचते हैं विदेशों में गुड्स, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है इस वजह से क्रेडिट, और वहां से खरीदते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आता है इसलिए डेबिट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हमने क्या नाम दिया? बैलेंस ऑफ ट्रेड। इनविजिबल्स में तीन चीजें आती हैं, सर्विसेज ट्रांसफर्स एंड इनकम। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस क्रेडिट, इंपोर्ट डेबिट, नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसको हमने नाम दे दिया बैलेंस ऑफ सर्विसेज। ऐसी ट्रांसफर रिसीट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, नेट ट्रांसफर्स, इनकम रिसीट्स, इनकम पेमेंट्स, नेट इनकम रिसीट्स। इनकम में क्या क्या हो सकता है? प्रॉफिट्स हो सकते हैं जो हमें विदेशों से मिल रहे हैं, या कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉइज, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। तो नेट टोटल करंट रिसीट्स, टोटल करंट आउटफ्लोज या पेमेंट्स, या गया नेट करंट अकाउंट। अब ये जो बैलेंस है, अगर ये बैलेंस मेरा पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स गुड, इट्स गुड। वाई सो इट्स गुड? क्योंकि ये पॉजिटिव तब आएगा जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है। और किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ी स्ट्रॉन्गर सिचुएशन होती है अगर उसके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है, ठीक है? तो पॉजिटिव बैलेंसेस, करंट अकाउंट रिसीट ज्यादा है करंट अकाउंट पेमेंट से, इसका मतलब नेट एसेट पोजीशन ऑफ इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड। बट बेटा अगर नेगेटिव बैलेंस है, इसका मतलब करंट अकाउंट की पेमेंट ज्यादा है और रिसीट्स कम है, इसका मतलब नेट असेट पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी हैज डिक्लाइंड। सो दिस वॉज द एंटायर डिस्कशन ऑन करंट अकाउंट। अब इसे पहले पूरा नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि बर्डन सम है, बट इतने कोई मुश्किल भी नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है जो हमें समझना है। अब इसके बाद हम अपनी डिस्कशन मूव ऑन करेंगे बेटा कैपिटल अकाउंट के ऊपर। फटाफट आप ये सारा नोट डाउन करिए फास्ट।